स्टूडेंट, बायोटेक के इस चैप्टर का आज हम दूसरा भाग शुरू करेंगे। हमने बायोटेक के चैप्टर की शुरुआत में चैप्टर के दो भाग किए थे। पहला भाग था टूल्स यानी कि औजार, और उन टूल्स में हमने चार प्रकार के टूल्स पढ़े, एंजाइम, वाहक डीएनए, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट सेल। ठीक है, अब हम चैप्टर का दूसरा भाग लेंगे टूल्स के बाद में प्रोसीजर। मतलब टूल्स में तो वो चीज़ें थी जो हमारे इस पूरी तकनीक में काम आएंगी। ठीक है, अब वो काम कैसे आएंगी और कैसे पूरा प्रोसेस होगा वो हमारे चैप्टर का दूसरा भाग है प्रोसीजर। इसके अंदर बेसिकली हम आरडीएनए निर्माण कैसे किया जाएगा उसका प्रोसेस समझेंगे, और उसके बाद फिर उसका स्थानांतरण, जीन स्थानांतरण कैसे होगा वो प्रोसेस समझेंगे। तो चैप्टर का हमारा दूसरा भाग रहेगा आरडीएनए निर्माण एवं जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया, प्रोसीजर। पहला भाग क्या हो गया, टूल्स, अब यह है प्रोसीजर। प्रोसीजर को एनसीईआरटी ने भी स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। हालांकि प्रोसीजर की स्टेप एनसीईआरटी के अंदर काफी इधर उधर बिखरी हुई है, उनको हम सीक्वेंस वाइज सही पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। हम उन्हीं सीक्वेंस को, एनसीईआरटी की उन्हीं सीक्वेंस को थोड़ा प्रॉपर वे में लेते हैं एक एक करके, और उसको एनसीईआरटी के साथ भी समझते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, जैसा कि मैंने टूल्स में भी आपको बताया था कि जब हमारा काम, हम इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं आरडीएनए निर्माण और चीन स्थानांतरण, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, एक जीव का जीन निकाल के उसको दूसरे जीव की कोशिका में ट्रांसफर करना, ये उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा सबसे पहला काम होता है हमारा वो जो जीन जो हमें स्थानांतरित करना है, ठीक है, उसको प्राप्त करना, यानी कि वांछित जीन। तो पहली स्टेप ये होती है वांछित जीन की प्राप्ति। ठीक है, वांछित जीन निकालने के तरीके अलग अलग हैं। आपको मैंने टूल्स में ऑलरेडी पैसेंजर डीएनए पढ़ा दिया है, तो पैसेंजर डीएनए वांछित जीन ही होता है, और उसको हम तीन विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। पहला भाग कौन सा है, रैंडम डीएनए विधि, जिसमें जीन को उसकी कोशिका से डायरेक्ट निकाला जाता है। दूसरा भाग है सीडीएनए निर्माण, अगर जीन निकालना संभव न हो या उपयोगी न हो तो फिर हम एमआरएनए ला करके उससे जीन बनाते हैं सीडीएनए। और एक तीसरा तरीका और है, पूरा ही जीन कृत्रिम रूप से बना, सिंथेटिक डीएनए, ये सब पढ़ चुके हैं, वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो वांछित जीन की प्राप्ति, और आमतौर पर पहली कोशिश की जाती है रैंडम डीएनए विधि, यानी कि जीन को उसकी कोशिका से ही सीधे निकाला जाए। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, इस कार्य को दो स्टेप में बांट रखा है। हम एनसीईआरटी की स्टेप पे ले रहे हैं, बाकी चीजें वही है जो हम पढ़ चुके हैं, जो मैं टूल्स में पढ़ा चुका हूँ उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे इस प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या हुआ, वांछित जीन या पैसेंजर डीएनए का पृथक्करण। सबसे पहले हम वांछित जीन अलग करेंगे। अब रैंडम डीएनए विधि के अनुसार क्या था, जो मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली विधि का तरीका ही बताया था, वो का वही है कि हम वो कोशिकाएं लेंगे जिसमें हमारा वांछित जीन है, फिर उन कोशिकाओं का लाइसिस करेंगे और जीव द्रव्य निकालेंगे, उसमें चिल डिथेनॉल डाल के फिर डीएनए अलग करेंगे, जो फिंगरप्रिंटिंग बताया था वैसे ही प्रोसेस। फिर इस डीएनए का हम पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा पाचन करेंगे, एंजाइम वो लेंगे जो हमारे वांछित जीन को काटे, फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के खंडों को सेपरेट करेंगे, एल्काइन माध्यम में डीएनए के खंडों को सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे डीनेचुरेशन, फिर सघन ब्लॉटिंग से डीएनए के खंडों को जो जेल में पड़े हैं उनको झिल्ली पर ट्रांसफर करेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर, याद है प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम रेडियो एक्टिव प्रॉब की मदद से ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक द्वारा हम नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पर हम अपने वांछित जीन की पहचान करके उसे अलग करेंगे। ये प्रोसेस ऑलरेडी मैं आपको टूल्स में पढ़ा चुका हूँ, वही का वही प्रोसेस है। एनसीईआरटी ने हालांकि सारा प्रोसेस नहीं समझाया, थोड़ा बहुत बताया है। ठीक है, और वो भी दो भागों में, रैंडम डीएनए विधि ही चल रही है, दो हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा क्या है, डीएनए का पृथक्करण, कि सबसे पहले तो सेल में से डीएनए निकालो, ये एक काम हो गया। अब इस डीएनए को काट के इसमें से वांछित जीन निकालो, ये दूसरा काम हो गया। हालांकि काम पूरा एक ही है, वांछित जीन अलग करना, और विधि वही रैंडम डीएनए विधि चल रही है। तो डीएनए कैसे पृथक करते हैं, एनसीईआरटी में इसका एक पैराग्राफ दिया है, मैंने वैसे फिंगरप्रिंटिंग के टाइम में बता रखा है चिल डिथेनॉल वाला प्रोसेस, उसी को थोड़ा ढंग से लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वांछित जीन जिस कोशिकाओं में है वो कोशिकाएं लेंगे, और फिर लाइजिंग एंजाइम द्वारा सेल का लाइसिस कर देंगे। लाइजिंग एंजाइम डिपेंड करेगा, अगर आपको जीन बैक्टीरिया से निकालना है तो लाइसोजाइम यूज करो, पादप कोशिका से निकालना है तो सेल्यूलेज पेक्टिनेज यूज करो, कवक में से निकालना है तो काइटिनेज, इस तरह से। तो अलग अलग प्रकार के लाइजिंग एंजाइम है, इनसे हम कोशिकाओं को तोड़ेंगे और उनका जीव द्रव्य प्राप्त हो जाएगा। अब इस जीव द्रव्य में मैंने आपको बता दिया था कि हम इथेनॉल डाल करके डीएनए निकाल लेंगे,
लेकिन उससे पहले काम और करते हैं। जीव द्रव्य अत्यंत जटिल मिश्रण है, ठीक है, और ये इतना जटिल मिश्रण है कि इसमें डीएनए निकालने में भी दिक्कत आएगी। इसमें बहुत सारे दूसरे ग्रहणु है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और भी कई चीज। तो यहाँ क्या किया जाता है, डीएनए के अतिरिक्त बाकी जो जैविक अणु हैं उनको हटाया जाता है। इस जीव द्रव्य को थोड़ा सरलीकृत किया जाएगा जिससे कि डीएनए अवक्षेपित करना आसान रहे और वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त भी हो। तो क्या करते हैं, जीव द्रव्य में से जटिल वृहद अणुओं को उनके एंजाइम द्वारा पाचन करके हटा दिया जाता है। जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम द्वारा प्रोटीन को हटा देते हैं, तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा आरएनए को हटा देते हैं, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट वगैरह दूसरे भी। तो डीएनए के अतिरिक्त जितने वृहद अणु हैं उनको उनके पाचक एंजाइम की मदद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अंत में फिर बचे हुए जीव द्रव्य में चिल्ड इथेनॉल डालेंगे और इथेनॉल डीएनए को अवक्षेपित कर देता है। तो अंततः चिल्ड इथेनॉल मिलाकर के डीएनए को अवक्षेपित किया जाएगा। ये बिल्कुल श्लेष्मा जैसा, म्यूसिलेज जैसा मास होता है, हल्का सा क्रीम ऑरेंज कलर का, और ये हमें अलग ही दिख जाता है डीएनए पूरा। फिर इस डीएनए को हम निकाल लेते हैं, बाकी चीजें हटा देते हैं। तो वांछित जीन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अभी उस क्रम में केवल एक काम हुआ है कि कोशिका में से डीएनए निकाल लिया, इसको एनसीईआरटी ने अलग से बता दिया, बाकी ये काम एक ही है। अब डीएनए निकालने के बाद क्या करते हैं, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं और फिर अंततः हम पूरा वांछित जीन प्राप्त करते हैं, जो हमारा आगे का पूरा प्रोसेस अभी मैंने बताया। तो ये तो क्या करा हमने, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी ने दो अलग अलग हिस्से कर रखे, तो हमने इसका ए पार्ट कर दिया, इसको डीएनए का पृथक्करण। वांछित जीन के पृथक्करण में पहला काम हो गया डीएनए का पृथक्करण। अब दूसरा काम क्या होगा, देखिए दूसरा काम क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटकर जीन की प्राप्ति। आगे का जो प्रोसेस है वही रैंडम डीएनए विधि वाला, आगे का पूरा प्रोसेस अगले हिस्से में दे दिया। अब क्योंकि ये प्रोसेस मैं पूरा आपको टूल्स में भी पढ़ा चुका हूँ, पूरा वापस डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। हालांकि मैंने अभी रिवाइज कराया भी था कि ये जो कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए जो है, इसमें से वांछित जीन काटकर अलग किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाचन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे जो हमारे जीन को काटे, तो इस तरह से जीन को कट जाएगा और डीएनए के टुकड़े कर देता है। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, जिससे डीएनए के टुकड़ों को हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं लंबाई के हिसाब से, और फिर एल्काइन माध्यम में उन टुकड़ों को डबल स्ट्रैंड की जगह सिंगल स्ट्रैंड भी कर देते हैं। फिर उसके बाद में सघन ब्लॉटिंग आता है कि जेल में उपस्थित डीएनए पर झिल्ली रख करके और ब्लॉटिंग पेपर की मदद से इन डीएनए को झिल्ली पर ले आते हैं, नाइट्रोसेल्युलोज झिल्ली पर, ठीक है। और उसके बाद फिर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब डालते हैं जो हमारे जीन पे जाके जुड़ते हैं, और इस तरह से हमें एक्सरे फिल्म पर हमें रेडिएशन निकलती हुई दिखती है और वहीं से हम जीन पता कर सकते हैं। तो इन सारी तकनीक जिसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, रैंडम डीएनए विधि, इसके द्वारा हम अपना वांछित जीन प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये टूल्स में भी पढ़ी जा चुकी है, इसलिए मैंने केवल यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहली स्टेप है हमारी वांछित जीन की प्राप्ति, जो कि मुख्य रूप से रैंडम डीएनए विधि से प्राप्त किया जाता है। एनसीईआरटी ने इसके दो भाग कर दिए, पहला भाग डीएनए को पृथक करो और दूसरा भाग डीएनए को काट कर उसमें से जीन प्राप्त करो, ठीक है। और ये सारी तकनीक इसमें काम आएगी। इसके अतिरिक्त भी मैंने एक और चीज आपको बता रखी, इसके अतिरिक्त वांछित जीन सी डीएनए निर्माण या सिंथेटिक डीएनए निर्माण से भी प्राप्त किया जा सकता है, दो अन्य विधियां और ये तब काम में लेते हैं जब हम रैंडम डीएनए विधि से जीन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो दो विधियां और भी हैं। तो इस तरह से पहली स्टेप में हमने वांछित जीन प्राप्त किया और इसके दो भाग रहे, ए और बी करके। अच्छा, यहां पर ये भी रहता है कि जब आप अपना वांछित जीन निकाल रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसी समय आप इस जीन को ले जाने वाले वाहक का भी चयन कर लें, क्योंकि वाहक भी तो चाहिएगा जो इस जीन को ले जाए। और वाहक का चयन किन बातों पर निर्भर करता है, ये वाहक में पढ़ाया गया है। वाहक का चयन दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है, वांछित जीन का आकार कि कितना बड़ा जीन है, क्योंकि हर वाहक के जीन ले जाने की क्षमता है, तो उसी क्षमता का वाहक ढूंढेंगे फिर। तो एक तो वांछित जीन का आकार और दूसरा कौन सी सेल में इसको भेजना है, होस्ट सेल का प्रकार, इन दोनों के आधार पर हम एक उपयुक्त वाहक का चयन करेंगे। अब ये वाहक अगर कोई नेचुरल वाहक हुआ तो वो भी किसी कोशिका में होगा। तो एनसीईआरटी यहाँ लिखती है कि जिस प्रकार से हमने वांछित जीन अलग किया किसी कोशिका से, उसी तरह से वाहक डीएनए को भी उसकी कोशिका से बाहर निकालेंगे। ये तो तब जब वाहक डीएनए नेचुरल डीएनए है और किसी कोशिका में है। किंतु मैंने आपको बताया था कि आजकल हम बहुत सारे कृत्रिम वाहक भी बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम कृत्रिम वाहक ले रहे हैं तो कोशिका से निकालना नहीं है,
बस केवल उसको चयन कर लो और उसको शुद्ध रूप में अलग कर लो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पहली स्टेप में जहां हम वांछित जीन प्राप्त कर रहे हैं समानांतर रूप से उसी समय हम अपने जीन को ले जाने के लिए उपयुक्त वाहक का भी चयन करेंगे। ठीक है, तो इसी समय समानांतर रूप से एक उपयुक्त वाहक डीएनए का भी चयन करके पृथक कर लिया जाता है, इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला काम क्या हुआ कि हमने अपना वांछित जीन निकाला, किसी भी विधि से प्राप्त किया, और इधर हमने वाहक डीएनए का भी चयन कर लिया। ये पहली स्टेप होती है प्रोसेस की, वांछित जीन का पृथक्करण, वाहक डीएनए का चयन। ओके, हम एक एक स्टेप को एनसीईआरटी से भी देखते चले गए। ठीक है, क्योंकि ये टूल्स में भी इसकी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए हमने इसको ब्रीफ में लिया। अब जरा एनसीईआरटी में देखो, जरा इसका भाग जो है एनसीईआरटी के अंदर कौन से पेज पर कौन सा हिस्सा है, ये चीज मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी भी साथ में खुली रखें और हिंदी की एनसीईआरटी में देखिए पेज संख्या 220 पे शुरू हो रहा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रम। ठीक है, मैं पेज नंबर बोलता जा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रम यहाँ से, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, यहाँ से शुरू हुआ है। अब इसका देखो अगले पेज पर आएंगे, ये पेज संख्या 221 पर, तो यहाँ पर इसका पहला भाग मिलेगा आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए का पृथक्करण। ठीक है, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखो मैंने इसको मार्क कर रखा 1A, हमारी पहली स्टेप का ए पार्ट। पहली स्टेप कौन सी, वांछित जीन का पृथक्करण, उसका पहला भाग है डीएनए का पृथक्करण। इसमें सारा वही लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको बताया है कि हम कोशिकाएं लेंगे, लाइजिंग एंजाइम देखो लिख रखा, लाइसोजाइम, सेल्यूलेज, काइटिनेज, इनसे हम कोशिकाओं में से जीव द्रव्य निकालेंगे, फिर उसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, उससे पहले एंजाइम द्वारा देखो इसमें लिख रखा है राइबो न्यूक्लियस से आरएनए को और प्रोटीन से प्रोटीन को हटाएंगे, और उसके बाद चिल्ड इथेनॉल डाल के अवक्षेपित करेंगे। और देखो ये दो डायग्राम दिख रहे हैं, ये परख नली का एक छोटा सा फोटो दिया हुआ है कि जब चिल्ड इथेनॉल डाला तो किस तरह से श्लेष्मा जैसा यह अवक्षेप बना, और दूसरे फोटो में देखो इस श्लेष्मा जैसा अवक्षेप को एक वायर की हेल्प से निकाला जा रहा है, इसको निकाला जा रहा है। इसके निकालने के इस प्रोसेस को स्पूलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, डीएनए पृथक करने का तरीका हुआ। ठीक, स्पूलिंग करते हैं इसको। अब डीएनए निकालने के बाद दूसरा भाग क्या, देखिए ये देखिए डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना, ये दूसरी स्टेप है। अब इसके अंदर देखो एक और दो दो छोटे पैराग्राफ हैं, लेकिन हम सिर्फ पहला वाला लेंगे, ये पैराग्राफ हमारी बाद की स्टेप में काम आएगा, इसीलिए ये 1A है तो ये 1B लिख दिया है मैंने आपको। ठीक है, ये 1B लिखा हुआ है, और 1B में देखिए केवल छोटा सा पैराग्राफ है, मतलब अब क्या जो जीओ डीएनए हमें मिला उसको काट के हम जीन निकालेंगे। अब मैंने तो आपको एक पूरा प्रोसेस बताया था कि डीएनए निकालने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाचन करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, सदन ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, इतना सब एनसीईआरटी ने नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया है। देखिए अब लिखा क्या है, शोधित डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उसकी इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। जो शोधित डीएनए ये जो निकाला अपन ने, इस डीएनए में अब प्रतिबंध एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलाकर के इष्टतम परिस्थितियों मतलब उपयुक्त परिस्थितियों में रख देंगे, तो ये एंजाइम क्या करेगा, डीएनए के टुकड़े करेगा पाचन, और हमारा वांछित जीन काट के अलग कर देगा, तो ये डीएनए का पाचन करेगा। ठीक है, आगे लिखा, अगारो जेल विद्युत का संचलन प्रतिबंध एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने में काम आता है। यहाँ थोड़ा सा हिंदी का ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है, अंग्रेजी में जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, अर्थात अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा पाचन हुआ है या नहीं हुआ है ये जांचने में काम आएगा। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पाचन करने के बाद अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके टुकड़ों को पृथक करते हैं, तो देखिए पाचन हुआ नहीं हुआ वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिखेगा, टुकड़े थोड़ी हमें परख नली में दिखेंगे। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने पाचन किया है, ठीक है, तो जेल के अंदर आपको डीएनए के टुकड़े दिखेंगे अभिरंजित करने पर, और अगर पाचन नहीं किया है तो टुकड़े नहीं दिखेंगे। तो जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाचन के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो वहां पता चलेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए के टुकड़े यानी पाचन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है कि ये नियंत्रित करना नहीं है, जांचना है, इसलिए मैंने गोला लगा इसको सही कर ले, जांचना लिख दे अपनी कॉपी में, अपने बुक में, कि अगर उस जेल विद्युत का संचलन प्रतिबंध एंजाइम पाचन को जांचने में काम आता है कि पाचन हुआ या नहीं हुआ ये जांचेंगे। ठीक है, डीएनए एक ऋणात्मक आवश्यक अणु है, इस कारण से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, ये वो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली बात है
डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, मतलब डीएनए निकाल लिया, फिर उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पाचन करा लिया और इलेक्ट्रोफोरोसिस में चला लिया इसको, लेकिन अभी जीन नहीं मिलता, आगे की कुछ चीजें और हैं, वो एनसीईआरटी ने भी आगे जाके लिखी है। हाँ, यहाँ अंत में एक लाइन लिख दी, यह प्रक्रम समवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाएगा, कि यानी कि समवाहक डीएनए मतलब वाहक डीएनए। तो अगर वाहक डीएनए को भी हम वांछित जीन की तरह किसी कोशिका से निकाल रहे हैं, तो जिस तरह से जीन निकाला उसी तरह से वाहक निकालेंगे, ये प्रोसेस वाहक के लिए भी दोहराएंगे। हालांकि अब हम वाहक के लिए इतना काम नहीं करते, क्योंकि वाहक आजकल हम कृत्रिम बना चुके हैं और बहुत सारे कृत्रिम वाहक हैं, हम उन्हीं में से काम में ले लेते हैं। बाकी अगर आप नेचुरल वाहक ले रहे हैं तो जैसे जीन निकालोगे वैसे वाहक भी निकालना पड़ेगा समानांतर रूप से। अब आप देखो यहाँ सिर्फ इतना सा लिखा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में जब हम इसको चलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा डीएनए का पाचन हुआ या नहीं हुआ। अब देखो इसी स्टेप की कुछ चीजें और हैं जो एनसीईआरटी में पहले आ चुकी है। मैंने कहा ना एनसीईआरटी में स्टेप में गड़बड़ है। अभी तक तो क्या हो रहा था, यहाँ से प्रक्रम शुरू हुआ, ये पहला भाग, पहली स्टेप का पहला भाग, और ये पहली स्टेप का दूसरा भाग। अब फर्स्ट बी का ही बाकी का हिस्सा कहाँ है, ये वाला नहीं है, ये बाद की चीजें। अब मैं वापस पीछे चल रहा हूँ, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले आ चुका है। देखिए हम आगे चलते हैं, पेज संख्या 217 पे आते हैं। ये देखिए पेज संख्या 217 पर ये जो पेज का ये पैराग्राफ है, इसके अंदर यहाँ लिख रखा डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन। ये जो हिस्सा है पूरा, ये पैराग्राफ, ये डायग्राम भी है उसमें, ये भी वर्स्ट बी लिखा है मैंने, मतलब पहली स्टेप का दूसरा भाग और उसका कुछ हिस्सा यहाँ दे रखा है। वहां हमने कहां तक पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पाचन करवाया और इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब ये उसी इलेक्ट्रोफोरोसिस को समझा रहे हैं, ये हिस्सा स्टेप उसी प्रोसीजर की उस स्टेप का है जो ये पीछे जाना चाहिए लेकिन आगे दे रखा है। ये थोड़ी स्टेप की चीज, ये प्रोसीजर की चीज आगे पीछे हो रही है, इसको सही करना है। तो ये भी आपको जब पढ़ो, जब एनसीईआरटी भी पढ़ो, तो उस पैराग्राफ के बाद आप सीधे यहाँ आएंगे। फर्स्ट बी जहाँ लिखा था मैंने, वो पैराग्राफ के बाद ये फर्स्ट बी है। अब इसके अंदर लिख रखा है कि डीएनए को काटने के बाद हम टुकड़े हो जाते हैं और खंडों को हम इलेक्ट्रोफोरोसिस से अलग करते हैं, पूरी बात ये बता रहा है। ठीक है, ऋणावेशित होता है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भेजा जा सकता है। सामान्य रूप से हम इसमें अगार काम में लेते हैं जो समुद्री शैवालों से मिलता है। ठीक है, अगार का जो जेल होता है वो छलनी की तरह काम करता है, डीएनए इसमें गति करते हैं। छोटा डीएनए तीव्र गति से जाता है, लंबा डीएनए धीरे जाता है, ये सब बातें ऑलरेडी जो है ये देखिए। और ये एक अगार का ब्लॉक दिखा रखा है, और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये कुछ खड्डे बना रखे, कूप लिखा हुआ है। मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरोसिस में भी पढ़ाया था जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था, कि हम यहाँ पर एक कंगा जैसी संरचना डालते हैं जब ये जेल जो है पिघला हुआ रहता है, और बाद में जेल जब जम जाता है तो ये कंगे को निकालते हैं तो यहाँ खड्डे बन जाते हैं। इन खड्डों को कूप बोला गया, नंबर दे रखे 1, 2, 3, 4। अब हमारे डीएनए के टुकड़ों का जो विलयन है वो इन्हीं खड्डों में लाकर भरा जाएगा, और ये जो कूप वाला हिस्सा है ये डीएनए के नेगेटिव हिस्से की तरफ रहेगा, ऋणात्मक कैथोड की तरफ, और इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखेंगे। चाहे तो इसको यूं रख लें, ठीक है, या खड़ा भी रख लें, एक ही बात है, कैसे भी रख लें। फिर जब इसको चलाते तो आप देखिए हर एक कूप के सामने ये बैंड्स बने हुए दिख रहे हैं, छोटे बड़े अलग अलग तरह के बैंड्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये पट्टियां दिख रही डीएनए की। अब ये डायग्राम देखकर कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि इस डायग्राम में क्या ये बता सकते हैं कि इन चार कूप में से कौन से कूप में तो पाचित डीएनए था जिसका पाचन हो चुका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और कौन से में अपाचित डीएनए था। तो जब हम ये देखते हैं तो आप देखिए कूप संख्या एक के सामने एक ही बैंड बना हुआ मोटा सा, लेकिन 2, 3, 4 के सामने बहुत सारे बैंड्स की पट्टियां दिख रही है। इसी से साफ जाहिर है कि पहले वाला जो कूप है उसके अंदर डीएनए अपाचित था, उसके टुकड़े नहीं हुए, इसलिए वो एक जगह इकट्ठा हुआ है। लेकिन दूसरे तीसरे चौथे में पट्टियां बहुत सारी, इसका मतलब इसमें पाचित डीएनए था। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए का पाचन हुआ है या नहीं हुआ है, ये जांचने का काम जो है हम इलेक्ट्रोफोरोसिस में करते हैं। तो ये देखो यहाँ जांच रहे, जब इलेक्ट्रोफोरोसिस किया, पाचन नहीं होने पर एक बैंड आएगा, पाचन होने पर कई सारी पट्टियां कई सारे बैंड आएंगे। ये नीचे लिख भी रखा है, अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जिसमें पथ एक, मतलब ये जो पहला लाइन है इसके अंदर संग्रह, ये पथ एक और सार डीएनए के समूह को स्थानांतरण प्रदर्शित करता है, तो ये 2 से लेकर 4 तक, इसमें पूरी हिंदी नहीं लिखी हुई है, कहना ये चाह रहे हैं कि पहले पथ में अपाचित डीएनए है, दूसरे तीसरे चौथे में पाचित डीएनए है। इंग्लिश मीडियम वाले में ये चीज बिल्कुल सही नीचे लिखी हुई है,
या पूरा क्लियर नहीं लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ में देखिए, इस पैराग्राफ के बाद एक पैराग्राफ और दिया है कि ये जो डीएनए के खंड पृथक हो गए, अब अगर हम इसको देखना चाहें, मैंने आपको अभिरंजित करने का तरीका भी बताया था फिंगरप्रिंटिंग में, कि जेल को इथिडियम ब्रोमाइड नामक विलयन में थोड़ी देर रखो, फिर यूवी लाइट में देखो, तो इसमें नारंगी रंग की डीएनए की पट्टियां दिखी, वो सारा लिख रखा। देखो, इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करके पराबैंगनी किरण यूवी लाइट में रखने पर, ठीक है, इथिडियम ये जो लिखने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखेगी। आप एक पट्टी को काट के निकाल सकते हो, इल्यूशन बताया था, ये रहा इल्यूशन क्षालन, ठीक है। तो ये सारा इलेक्ट्रोफोरोसिस का काम बता रखा है, ठीक है, कैसे स्टैंड करना है, क्या है। अब इसके आगे अभी दो स्टेप और है, इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद हम डीनेचुरेशन करेंगे, फिर सदन ब्लॉटिंग से जेल में से डीएनए को झिल्ली पर ले जाएंगे। इन्होंने यहां लिख दिया कि जेल में से जीन प्राप्त कर लेंगे, जेल में से जीन नहीं मिलेगा, जेल के अंदर तो सारे डीएनए की पट्टियां दिख रही हैं, हमें क्या पता कौन सा इसमें जीन है। तो हम पहले जेल से इन सारे डीएनए को कहां लाएंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर सदन ब्लॉटिंग, उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रॉब डालकर ऑटो रेडियोग्राफी में पता चलेगा कि कौन सी पट्टी हमारा डीएनए है, अवांछित जीन है। तो इसके आगे इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद सदन ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, दो काम और होंगे जो एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने कई जगहों पर तकनीक की शुरुआती अवस्था बताई है, बाद का अंतिम नहीं बताया है। अब वांछित जीन प्राप्त करने की इन्होंने डीएनए पृथक कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाचन भी कर लिया, इलेक्ट्रोफोरोसिस भी कर दिया, यहां तक तो बता दिया है, लेकिन इसके बाद सदन ब्लॉटिंग और ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो जितना है उतना पढ़ लें, बाकी इसके आगे की भी सारी चीज मैं फिंगरप्रिंटिंग के साथ समझा चुका हूं और रैंडम डीएनए विधि में भी समझाई है, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ भी आपको प्रोसीजर के उस फर्स्ट बी वाले हिस्से के साथ ही जोड़ना है, मतलब ये हिस्सा, ये पैराग्राफ जो वास्तव में देखो कहां लिखा हुआ है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाला जो शुरू का भाग है उसमें लिखा हुआ है, ये पेज संख्या 217 पर, लेकिन इस पैराग्राफ को वास्तव में यहां से हटाकर हमें कहां रखना चाहिए, आप इसको जो है ये देखिए, प्रोसीजर का जो भाग है आपका, ये देखिए, ये फर्स्ट बी, ये वाला पेज संख्या 221, इसके बाद वो आएगा, तो इनकी कंटिन्यूटी बनती है कि डीएनए को हमने काट के अलग किया, ठीक है। तो ये दो स्टेप हुई हमारी, दो स्टेप क्या बल्कि एक ही स्टेप है, वांछित जीन का पृथक्करण, जिसको दो भागों में एनसीईआरटी ने दे रखा है, डीएनए का पृथक्करण और डीएनए को इस विशिष्ट स्थलों से काटकर जीन का पृथक्करण। तो इस तरह से हमारी इस स्टेप में हमने वांछित जीन अलग कर लिया और इसके लिए जो उपयुक्त वाहक हमें चाहिए वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गई पहली की स्टेप के दो भाग ए और बी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप पर आते हैं। अगली जो हमारी स्टेप है, देखिए, हमें जीन जो मिल भी गया, वांछित जीन हमने चलिए प्राप्त कर लिया, लेकिन ध्यान रखिए वांछित जीन जो हमें प्राप्त मिलता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल ही मिलते हैं, और हमें अगर आरडीएनए बनाना है तो हमें बहुत सारे वांछित जीन के अणु चाहिएंगे, तो प्राप्त वांछित जीन बहुत कम मात्रा में होता है, तो हमें उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जो वांछित जीन है उसकी हूबहू कॉपी करनी पड़ेगी, क्लोनिंग करनी पड़ेगी, ताकि जीन बहुत सारे हो जाएं हजारों लाखों की तादाद में, फिर हम उन वांछित जीन से आरडीएनए बनाएंगे और फिर स्थानांतरण करेंगे। तो अब हमें वांछित जीन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो वही चीज है अगला, वांछित जीन का पीसीआर द्वारा आवर्धन, पीसीआर द्वारा अब हम आवर्धन करेंगे, इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम पीसीआर भी समझेंगे और कैसे आवर्धन होता है ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी आवर्धन की, प्राप्त वांछित जीन काफी कम मात्रा में होता है, ठीक है, अतः पीसीआर द्वारा इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो अब पीसीआर क्या चीज है, पीसीआर टेक्निक देखो क्या है, बड़ी ही उपयोगी टेक्निक है पीसीआर, जिसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि अगर डीएनए कम होता है तो पीसीआर से मात्रा बढ़ाएंगे, और पीसीआर क्या है मैंने वहां कह दिया था कि अपन बायोटेक में पढ़ेंगे, हम पीसीआर को यहीं पर पढ़ेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वैज्ञानिक कैरी मुलिस द्वारा 1983 में विकसित की गई एक तकनीक है और आज बायोटेक्नोलॉजी का बहुत काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। पीसीआर एक बिल्कुल ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, जो स्टार्ट होने से लेकर एंड होने पूरी तरह से ऑटोमेट सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करता है, और पीसीआर मशीन जो आजकल तो बहुत पॉपुलर है और ये बहुत सारे कामों में यूज होती है। बायोटेक के और रिसर्च के जितने अनुसंधान है, जहां भी डीएनए काम आता है, डीएनए की संख्या बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है।
बिना डीएनए में परिवर्तन हुए संख्या बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहां पर भी पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दरअसल जीन क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग का एक तरीका है, कृत्रिम परिस्थितियों में तीव्र गति से परिभाषित कर सकते हैं। बायोटेक में काम आने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक पीसीआर इन विट्रो डीएनए आवर्धन की एक स्वचालित तीव्र तकनीक है। अपने आप ऑटोमेटिक चलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है और कृत्रिम परिस्थितियों इन विट्रो डीएनए आवर्धन। वैसे ये डीएनए रिप्लिकेशन पर आधारित सा है, लेकिन ये होता है सेल के बाहर। पीसीआर की एक छोटी सी मशीन आती है जिसमें छोटी छोटी सी ट्यूब लगती है, 5-5 ml की छोटी छोटी ट्यूब लगती है, और ये मशीन ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक सारा काम ऑटोमेटिक करती है, और आपको कितने मॉलिक्यूल चाहिए उतनी बार ये चक्रीय रूप में चलती है। आप देखिए, पीसीआर का काम केवल डीएनए की मात्रा बढ़ाने तक ही नहीं रहा, आजकल पीसीआर का काम मानव में रोगों की पहचान करने में काम आता है, डायग्नोसिस में। आप देखिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके लिए भी आरटीपीसीआर, आप अखबार में कई बार सुनते होंगे, आरटीपीसीआर रियल टाइम पीसीआर होता है, पीसीआर का ही एक प्रकार है वो। और पीसीआर जो है मानव में रोगों की पहचान में भी काम आ रहा है, और इसीलिए तो आजकल इसका इतना उपयोग है कि इसे हम पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कैरी मुलिस कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन इन्होंने वास्तव में देखा जाए तो कैरी मुलिस केमिस्ट्री लैब के एक लैब असिस्टेंट थे, और इन्होंने अपने दिमाग से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जो डीएनए की बहुत ही कम समय में खूब सारी कॉपीज बना देता है। इतना तीव्र गति से काम करता है कि जब से पीसीआर आया है, बायोटेक में रिसर्च का काम बहुत तीव्र हो गया है। ठीक है, डीएनए क्लोनिंग जीन की संख्या बढ़ाने का काम पहले बड़ा मुश्किल से होता था। पहले अगर आपको एक डीएनए की या एक जीन की संख्या बढ़ानी है, तो उस डीएनए को आप किसी कोशिका में डालते थे और जीन लाइब्रेरी बना करके वो जब कोशिका विभाजित होती थी तो उसके साथ साथ डीएनए की संख्या बढ़ती थी, बहुत लंबा काम था। अब आजकल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिनटों में डीएनए की हजारों कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, बायोटेक को 1990 के दशक के रिएक्शन ऑफ 1980s 1980 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। पीसीआर को 1980s की रिएक्शन ऑफ 1980s कहा जाता है। कैरी मुलिस को इस पीसीआर के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है 1993 में, और आज ये बहुत फ्रीक्वेंटली काम आती है। कैरी मुलिस ने किया क्या, मैं आपको बेसिक समझाऊं, इसके लिए आपको थोड़ा डीएनए रिप्लिकेशन आना चाहिए। डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस अगर आपको याद है, जो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाया जाता है, तो आपको पीसीआर समझना आसान होगा। डीएनए रिप्लिकेशन में आपको बताया जाता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन हर जगह से शुरू नहीं होता, कुछ निर्धारित बिंदु वहीं से शुरू होता है जिनको हम ORI कहते हैं, याद है। फिर ORI पर सबसे पहले वी कुंडलन होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग किए जाते हैं, इसके लिए हेलिकेज एंजाइम दोनों को अलग करता है, फिर टॉपोइसोमरेज SSBP ये सब भी काम आते हैं, तब जाके दोनों स्ट्रैंड अलग हो पाते हैं, और फिर हेलिकेज इनको अलग करता हुआ रिप्लिकेशन फॉर्क बनाता हुआ चलता है दोनों दिशाओं में। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है, और डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बनाता है, लेकिन वो भी काम की शुरुआत नहीं करता, तो पहले हमें आरएनए पॉलीमरेज से प्राइमर बनवाने पड़ते हैं दोनों स्ट्रैंड पर। फिर विपरीत दिशा में चलता है, एक बाहर से अंदर चल रहा है, एक अंदर से बाहर चल रहा है, और फिर एक तो सतत निर्माण होता है, एक पर असतत ओकाजाकी खंड बनते हैं, बाद में फिर ये आरएनए के टुकड़े भी हटाए जाते हैं और ओकाजाकी खंड को जोड़ा जाता है, तब जाकर डीएनए बनता है। मतलब काफी जटिल काम है डीएनए रिप्लिकेशन जो सेल में होता है। कैरी मुलिस ये बात जानते थे कि डीएनए का निर्माण परख नली में किया जा सकता है। ये काम कैरी मुलिस से कई साल पहले 1961 में कॉर्नबर्ग कर चुके थे, मैंने आपको बताया भी था। कॉर्नबर्ग ने पहली बार टेस्ट ट्यूब में डीएनए का एक स्ट्रैंड डाला, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलाया, प्राइमर डाला और न्यूक्लियोटाइड डाले, तो उन्हें उस एक स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया। पहली बार परख नली में डीएनए निर्माण का काम वैसे तो कॉर्नबर्ग ने किया था, इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन, मैंने आपको टूल्स में बताया भी है। ठीक है, तो वहां कैरी मुलिस से जानते थे कि भाई कॉर्नबर्ग के तरीके से हम टेस्ट ट्यूब में डीएनए का रिप्लिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन ये काम सतत रूप से नहीं हो रहा था, एक स्टैंड डाला दूसरा बन गया बस रुक गया। कैरी मुलिस ने कोशिश यही की कि जो कॉर्नबर्ग का प्रयोग है वो परख नली में बार बार चले, जब बार बार चलेगा तो बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल बनते रहेंगे, तो उन्होंने यही कोशिश करी कि इसको सततता में लाया जाए चक्रीय रूप से। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि सेल के अंदर होने वाले डीएनए रिप्लिकेशन में बड़ी जटिलता, पहली बात तो उसका विकुंडलन करना बड़ा मुश्किल है, हेलिकेज गायरेज बहुत सारे एंजाइम चाहिए, तो यहां कैरी मुलिस ने काम आसान किया, अपन एक काम करें, कोशिका की तरह
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए अपन हेलिकेज या इन एंजाइम को नहीं लें, हमारे पास तो एक और तरीका है। हम अगर टेम्परेचर बढ़ा दें 90 डिग्री के ऊपर तो डीएनए के दोनों सूत्र वैसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। और अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हम अलग कर पाए तो हमें न तो हेलिकेज वेलिकेज की जरूरत पड़ेगी और साथ में ओकाजाकी खंड भी नहीं बनेंगे। अब देखो ओकाजाकी खंड क्यों बनते थे, जब आप डीएनए को थोड़ा थोड़ा खोलते थे तो इधर बाहर से अंदर चल रहे हो, इधर अंदर से बाहर, तब खंड बनते थे। जब डीएनए को दोनों स्ट्रैंड को पूरा एक साथ अलग कर दो तो एक प्राइमर इस कोने पे लगा और एक प्राइमर उस कोने पे लगा, इसको यूं चला लो उसको यूं चला लो, दोनों स्ट्रैंड सतत बनेंगे, फिर असतत टुकड़े नहीं बनेंगे। तो टेम्परेचर से इन्होंने वी कुंडलन करने का सोचा। इसका एक फायदा और था कि अब कोई ओकाजाकी खंड और असतत निर्माण नहीं होगा। एक और चीज, कैरी मोलेशन देखा कि सेल के अंदर जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है उसमें निर्माण का आरंभ जो आरएनए पॉलीमरेज करता है और वो छोटा सा आरएनए बनाता है, उसके बाद डीएनए बनना शुरू होता है, आरएनए का टुकड़ा लगता है, फिर बाद में उसको हटाना पड़ता है। तो कैरी मोलेशन सोचा जब हम काम कृत्रिम रूप से ही कर रहे हैं तो हम आरएनए का टुकड़ा क्यों लगाएं, हम तो डीएनए का ही टुकड़ा लगाएं ना, बाद में भी तो उसको हटा के डीएनए ही बनाना है। तो इसलिए पीसीआर के अंदर जो प्राइमर लिए गए वो आरएनए प्राइमर नहीं थे, उन्होंने कृत्रिम रूप से डीएनए प्राइमर डाले, ठीक है, ताकि हटाना ही नहीं पड़े, तो काम आसान कर दिया। अब वी कुंडलन के लिए कोई एंजाइम नहीं है, तापमान से कर रहे हैं, कोई ओकाजाकी खंड नहीं बनेगा, प्राइमर भी डीएनए का डालेंगे ताकि हटाना ही ना पड़े। इस तरह से उन्होंने कृत्रिम रूप से डीएनए के रिप्लिकेशन को करने की व्यवस्था की और टेस्ट ट्यूब में सारी चीजें लेकर के तापमान बढ़ाया 90 डिग्री 95 डिग्री। तापमान बढ़ाते दोनों स्ट्रैंड अलग भी हुए, लेकिन कैरी मोलेशन यहां फिर फंस गए कि उन्होंने तापमान बढ़ा करके अलग तो कर लिया लेकिन साथ में जो एंजाइम डाला था, जो डीएनए बनाता है डीएनए पॉलीमरेज, उस डीएनए पॉलीमरेज की हालत खराब हो गई, क्योंकि तापमान कितना बढ़ाया था 95 डिग्री 94 95 डिग्री। 94 95 डिग्री के तापमान पर डीएनए तो अलग हो गया, लेकिन समस्या क्या हो गई कि डीएनए तो अलग हो गया लेकिन समस्या ये हुई कि इतने उच्च तापमान पर हमारा जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है वो निष्क्रिय हो जाता, ताप एंजाइम तो बेचारे 45 डिग्री के ऊपर ही काम नहीं करते। अब कैरी मोलेशन फंस गए कि विकुंडलन के लिए अगर मैं तापमान बढ़ाता हूं तो पॉलीमरेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, अब करें क्या, पीसीआर बनने में इसलिए उनको थोड़ा वक्त और लगा। अब उन्हें एक ऐसे एंजाइम की जरूरत थी जो उच्च तापमान को झेल ले, अच्छे से उच्च तापमान को झेल ले और सक्रिय भी रहे, और वो खोजते रहे और उन्हें फिर गर्म पानी में ऑलमोस्ट उबलते हुए से गर्म जलधाराओं में मिलने वाले बैक्टीरिया मिले जिन्हें हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 80 90 डिग्री 100 डिग्री के तापमान में जो जमीन में से गर्म पानी निकलता है नेचुरल, उसमें रह रहे हैं ये बैक्टीरिया, और न केवल रह रहे हैं बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ रही है, विभाजन भी कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं मतलब डीएनए रिप्लिकेट हो रहा है। तो इनके पास कुछ न कुछ है जो इतने उच्च तापमान पर भी काम कर रहा है। उन्होंने उन बैक्टीरिया से एक डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 90 डिग्री 98 डिग्री तक के तापमान को झेल लेता है और काम भी करता है। 72 डिग्री पर तो सबसे बढ़िया काम करता है, ये वो तापमान था जहां कोई दूसरा एंजाइम काम नहीं करता। तो कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से जब ताप प्रतिरोधी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिला तब जाके पीसीआर बना। तो सामान्य सेल में होने वाला डीएनए रिप्लिकेशन और पीसीआर में होने वाले रिप्लिकेशन में काफी अंतर हो गया। सेल में होने वाला रिप्लिकेशन ओआरआई से शुरू होता है और उसके वी कुंडलन के लिए हेलिकेज और उसकी पूरी टीम लगती है, तो हमारे पीसीआर का रिप्लिकेशन जो डीएनए खंड हमने डाला उसका होता है और इसके लिए वी कुंडलन के लिए तापमान का उपयोग करते हैं, ठीक है। सेल में होने वाला रिप्लिकेशन में प्राइमर शुरुआत जो है आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर बना के करता है, तो पीसीआर के अंदर हम डीएनए प्राइमर लेते हैं। सेल में होने वाले रिप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड पर सतत और दूसरे पर असतत और ओकाजाकी खंड बनते हैं। पीसीआर में होने वाले रिप्लिकेशन के दोनों स्ट्रैंड में सतत ही होता है, कोई ओकाजाकी खंड नहीं बनता। सेल में होने वाले डीएनए रिप्लिकेशन में सामान्य डीएनए पॉलीमरेज काम आता है, पीसीआर में होने वाले डीएनए रिप्लिकेशन में ताप प्रतिरोधी डीएनए पॉलीमरेज काम आता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से एक एंजाइम मिला टेक पॉलीमरेज और वही पीसीआर में सबसे ज्यादा काम आता है। पीसीआर की किस तरह से कंस्ट्रक्शन बनावट हुई, क्या क्या काम किया गया, मैंने आपको एक आउटलाइन पहले समझा दी, और सेल में होने वाले डीएनए रिप्लिकेशन से तुलना करोगे तब समझ में आएगा। तो कैरी मोलेशन का ये बड़ा ही बेहतरीन काम था जिसकी वजह से आज बायोटेक के अंदर डीएनए की कॉपी करना बहुत आसान हो गया। अब
कुल मिलाकर अगर मैं इन चीजों को थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में देखें तो पीसीआर जो है मुख्य रूप से दो चीजों पर आधारित है। देखिए, एक तो इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन जो कॉर्नबर्ग ने किया था, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डीएनए रिप्लिकेशन, एक तो वो चीज, और दूसरा डीएनए की डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी। जो डीएनए की डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी है तापमान द्वारा, तापमान के द्वारा जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हम अलग कर सकते हैं, तापमान कम करोगे तो फिर से जुड़ जाते हैं दोनों स्ट्रैंड, ये जो इसका गुणधर्म है ये हमारे काम आता है। पीसीआर में दो चीजों पर आधारित है, कॉर्नबर्ग का जो एक्सपेरिमेंट है इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन, और तापमान द्वारा डीएनए का डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन, इस पर बेस्ड है। ठीक है, पीसीआर की जो मशीन होती है उसमें ऐसी छोटी छोटी सी परख नलियां जैसी ट्यूब लगती है, इनको इपिन ड्रॉप ट्यूब कहते हैं, इन ट्यूब का नाम होता है इपिन ड्रॉप ट्यूब, और उस पर एक ढक्कन भी होता है। अब इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में सारी चीज ली जाती है। अब एक तो डीएनए मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसके हमें संख्या बढ़ानी है, वो डीएनए या चीन का मॉलिक्यूल ले लिया, फिर एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिला लिया, डीएनए प्राइमर और सारे न्यूक्लियोटाइड डाल दिए। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन से पूछे जाए तो यहाँ बहुत से लोग गलत जवाब देते हैं, एटीजीसी गलत, एटीजीसी तो नाइट्रोजन बेस है। चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड कौन से? डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एवं डीटीटीपी। याद आया कुछ? ये रिप्लिकेशन के वक्त बताया गया था। ये सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, और वो भी दो फॉस्फेट अतिरिक्त लेकर ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये ट्राइफॉस्फेट रूप में सारे न्यूक्लियोटाइड भी डाल दिए। ठीक है, तो ये इस तरह से, और इस ट्यूब को फिर मशीन में लगा दिया जाता है। अब यहां और सब तो ठीक है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज सामान्य नहीं है, विशेष प्रकार का है। इस एंजाइम के बारे में बहुत क्वेश्चन आ चुका है, आप भी अच्छे से ध्यान रखें। डीएनए पॉलीमरेज विशेष प्रकार का ताप प्रतिरोधी थर्मोस्टेबल एंजाइम। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये तापमान प्रतिरोधी है, जो कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। इनको हमने थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से प्राप्त किया। ये कौन कौन से हैं, इसका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे मुख्य जो इसमें है वो है टेक पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो 72 डिग्री पर सबसे बढ़िया कार्य करता है। आप सोचिए, 72 डिग्री पर कोई एंजाइम आमतौर पर काम नहीं करता है। इसका सबसे बढ़िया कार्य क्षमता थी 72 डिग्री पर, और 98 डिग्री तक तो ये खराब नहीं होता। ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया से मिला है, थर्मस एक्वेटिकस। इसका नाम टेक क्यों रखा है? टी लिया है थर्मस, इसके जीनस के पहला लेटर, जैसे अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में नामकरण किया था वैसे ही कुछ है। और एक्वेटिकस का ए क्यू लिया गया, तो ये नाम बन गया टी ए क्यू, टेक पॉलीमरेज। सबसे ज्यादा यही एंजाइम काम आता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, बैक्टीरिया का नाम भी आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद पी फ्लू पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, और भी एक दो एग्जाम्पल है अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से मिले। पी फ्लू पॉलीमरेज पायरोकोकस फ्लोरियोसस बैक्टीरिया से मिला है, वेंट पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया से मिला है। ठीक है, तो यहां पर मुख्य बात है ये एंजाइम। तो पीसीआर में जैसा मैंने आपको कहा, टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए के रिप्लिकेशन होना है, त्वरित गति से होना है, क्लोनिंग है, एग्जैक्ट कॉपीज बनेगी, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तापमान का उपयोग करके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर रहे हैं। और जो डीएनए निर्माण का एंजाइम है वो एंजाइम ताप प्रतिरोधी डीएनए पॉलीमरेज है, टेक पॉलीमरेज, और एक दो और भी हैं। बाकी यहाँ पर प्राइमर भी डीएनए के लेंगे, आरएनए प्राइमर नहीं, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब में ये सारी चीजें मिलाकर मशीन में लगा दी जाती है। अब सारा काम ऑटोमेटिक होता है, केवल तापमान ही बढ़ाना घटाना और कुछ नहीं करना। पीसीआर का देखिए पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। तो पीसीआर जो है तीन स्टेप का एक ताप चक्र, थर्मल साइकिल है। ठीक है, ये तीन स्टेप की एक थर्मल साइकिल है जो टेम्परेचर पर आधारित है। इसके तीन स्टेप, ये भी एग्जाम में काफी आ चुका है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एवं एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन मतलब विकुंडलन, 94 डिग्री पर होता है। एनीलिंग का मतलब होता है पेयरिंग, जुड़ना, 54 डिग्री पर। और एक्सटेंशन मतलब बढ़ोतरी, दीर्घीकरण, 72 डिग्री पर। ये तीन स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, 94, 54, 72। अब देखो होता कैसे, अपन ने वो परख नली में एक डीएनए डाल के मशीन में लगा दिया, ये रहा वो एक डीएनए मान लीजिए। ठीक है, ये इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 94 डिग्री पर पहले तापमान बढ़ाया तो 94 डिग्री पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। ये हमारा पहला काम क्या हो गया, डीनेचुरेशन का पहला काम हो गया।
ठीक है, दोनों स्टेट अलग हो गए। अब तापमान थोड़ा कम किया जाता है 54 डिग्री। 54 डिग्री की स्टेप को बोलते हैं एनीलिंग। ठीक है, एनीलिंग में क्या किया जाता है, एनीलिंग के अंदर मतलब प्राइमर का जुड़ना। एनीलिंग का मतलब क्या है, यहाँ प्राइमर जुड़ते हैं, इसमें डीएनए प्राइमर जो है वो 54 डिग्री पर डीएनए से जुड़ेंगे टेम्पलेट से। और प्राइमर होते हैं हमेशा 5 से 3 दिशा में। नया सूत्र किस दिशा में बनता है, 5 से 3, टेम्पलेट की दिशा में 3 से 5। तो तीसरे सिरे पर ये प्राइमर जुड़ गया, देखो छोटा सा टुकड़ा 5 से 3 दिशा वाला, ये तीसरा सिरा इधर जुड़ेगा तो इधर जुड़ेगा। प्राइमर का जुड़ना एनीलिंग कहलाता है, 54 डिग्री पर होता है। फिर उसके बाद तापमान को बढ़ाकर 72 डिग्री किया जाता है। और 72 डिग्री के तापमान में मैंने क्या कहा था, 72 डिग्री पर ये एंजाइम सबसे बढ़िया काम करता है, इसलिए 72 डिग्री लाते हैं। एक्सटेंशन का क्या मतलब है, प्राइमर जो लगा उससे आगे अब सूत्र निर्माण को एक्सटेंड करेगा, दीर्घीकरण। तो ये प्राइमर से आगे इधर बना, इस प्राइमर के आगे इधर बना, और इस तरह से दोनों टेम्पलेट सूत्र के सामने नया नया स्ट्रैंड बनकर 1 डीएनए से 2 डीएनए बन गए। ठीक है, 94, 54, 72। अब उसके बाद पुनः ये जो साइकिल है ये फिर से ऐसे घूम जाएगी और ये लगातार चलती रहेगी, 94, 54, 72, फिर से 94, 54, 72। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, तीनों स्टेप के नाम, इनके टेम्परेचर और किस स्टेप पर क्या काम होता है काफी बार आता है। ये पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया है और ये बार बार पूछा भी जाता रहता है, पूरा डायग्राम एक बार को तो ऑब्जेक्टिव आ चुका है, आप देखिएगा सब मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लगातार, अच्छा ये इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये हर स्टेप जो है कुछ सेकंड्स में होती है। और तीनों स्टेप में मिलाकर उसका, हालांकि तो खैर निर्भर करेगा डीएनए कितना बड़ा है, नहीं तो 15-20 सेकंड में एक चक्र भी हो जाता है, 1 मिनट में 3-4 चक्र, 2-3 चक्र हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितनी चक्र चलेंगे हर बार डीएनए की मात्रा डबल, 1 डीएनए था 2 हो गए, फिर चलाओ फिर 2 के 4, 4 से 8, 8 से 16, हर बार डीएनए की मात्रा पहले से डबल हो रही है। इसलिए कुछ ही चक्रों में हम हजारों लाखों मॉलिक्यूल पर पहुंच सकते हैं और ये काम कुछ मिनटों में हो जाता है। तो इतने कम समय में और इतनी तीव्र गति से डीएनए की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, एंजाइम गलती नहीं करता काम करने में, तो जो आपका डीएनए यू की उसकी कॉपी बना देगा। तो पीसीआर का ये पूरा प्रोसेस किस तरह से चलता है, इसके तीनों स्टेप का एक काम ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये तो मैंने कहा था, प्रत्येक चक्र की समाप्ति के बाद डीएनए की मात्रा पहले से दुगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है, राइट। और दूसरी चीज, हम यहां पर क्योंकि पहले से मात्रा डबल हो गई है तो कितने चक्रों के बाद डीएनए के कितने अणु मिलेंगे ये गणित से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एन चक्र, मान लीजिए एन नंबर ऑफ साइकिल चलती है, एन चक्रों के बाद डीएनए अणु को संख्या कैसे निकालेंगे, 2 की घात n से, डबल हो रहा हर बार, तो कितने चक्रों के बाद क्या, तो ये 2 की घात n, ये जो फॉर्मूला है इससे निकलेगा। अब हमें अगर पहले अंदाजा हो कि हमें कितने डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए तो उस हिसाब से कितने चक्र चलाने पड़ेंगे ये हम फिक्स कर सकते हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि आपको हम 1 डीएनए दे रहे हैं, आपको इससे 32 डीएनए बनाने हैं, तो 32 डीएनए बनाने हैं तो कितने पीसीआर चक्र चलाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो डीएनए अणु कितनी चाहिए, 32, और एन का मान निकालना है चक्र, तो 2 की घात n से आ रहा है एन चक्रों के बाद डीएनए अणु की संख्या। ठीक है, तो 32 किसके बराबर हो गया, 2 की घात n के, तो n का मान क्या रखो कि 32 आ जाए, 5 रखेंगे, तो 2 की घात 5 रखोगे 32 आ जाएंगे, तो इसका मतलब कितने चक्र चलाने पड़ेंगे, 5। इस तरह से आपको कितने डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए और उसके लिए आपको कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी पीसीआर में वो निकाल सकते हो। और ये मशीन ऑटोमेटिक है, आपको 5 चक्र चलाने तो डीएनए वगैरह सब ट्यूब में लगा दिया और 5 इसमें सेलेक्ट कर लो, 5 बार ये तापमान का ये चक्र चलेगा और मशीन रुक जाएगी, तो ऑटोमेटिक काम चलता है, ऑटोमेटिक ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक। ये पीसीआर का एक बड़ा ही बेसिक सा काम है और ये आपके आगे भी बहुत बार आता रहेगा जब तक आप बायोलॉजी लेकर आगे पढ़ोगे, चाहे वो MBBS में पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो, पीसीआर बहुत बेसिक चीज है और आजकल खूब काम आती है। हम कई जगह पढ़ते रहते हैं RT-PCR, PCR किया जा रहा है, PCR से टेस्ट हो रहा है, तो DNA आवर्धन है बेसिकली PCR। और ये कैसे किया जाता है, इसकी ये स्टेप्स ध्यान रखनी। खास बात यहाँ पर एक ताप प्रतिरोधी एंजाइम टेक पॉलीमरेज काम आता है। तो ये हमारी प्रोसीजर की दूसरी स्टेप हुई। पहली स्टेप में हमने क्या किया, वांछित जीन प्राप्त किया, 2 स्टेप मिलाकर वो पहली स्टेप थी। ठीक है,
कि पहले डीएनए को निकाला, उसको काट के जीन निकाला। अब ये वांछित जीन जो हमने निकाल लिया था पहली स्टेप में, अब ये हमारी दूसरी स्टेप थी कि उस वांछित जीन को हमने पीसीआर द्वारा आवर्धन करके उसकी संख्या बढ़ा ली। अब हमारे पास इन दो स्टेप के बाद अच्छी खासी मात्रा में वांछित जीन भी है और निश्चित रूप से वाहक भी, वाहक की भी संख्या बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास जीन भी है और वाहक भी है, तो अब हमारा अगला काम क्या होना चाहिए? अगला काम है इन दोनों को जोड़कर आरडीएनए बनाना। हम अपने वांछित जीन को वाहक से जोड़ेंगे, आरडीएनए बनेगा और फिर इसको स्थानांतरित करेंगे। हमारा उद्देश्य हमें ध्यान होना चाहिए। चलिए इस दूसरी स्टेप को भी एनसीईआरटी में देख लें जरा, पीसीआर वाला ये काम कहाँ है। तो एनसीईआरटी में ये पूरा एक ही स्टेप में एक साथ दिया है, हालांकि बहुत डिटेल तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लें कि किस जगह पर। ये तो 1A1 भी हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का वर्धन आवर्धन, तो ये यहाँ से पीसीआर चालू हो रही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दो लाइन तो इधर है, पेज संख्या 221, उसके बाद ये 222 पर आ जाओ, तो पूरा पैराग्राफ है जो मैंने पीसीआर बताया था उसी के बारे में लिख रखा, पढ़ सकते हैं। और देखिए ये डायग्राम दे रखा है, ये डीएनए दिखा रखा है, तापमान वही, उसके बाद दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, फिर ये प्राइमर जुड़ा, फिर पॉलीमरेज टेक, पॉलीमरेज एंजाइम, और ये 1 से 2 डीएनए हो गए, 3 स्ट्रैंड, ठीक है। निष्क्रियकरण वही, डीनेचुरेशन, तापानुशीलन मतलब वो एनीलिंग है बेसिकली, और फिर प्रसार मतलब एक्सटेंशन, 94, 54 और 72, 3 स्टेप के बाद ये बार बार चलती है। और यहाँ दिखा रखा है करीब जब आप 30 चक्र चला लेते हो तो 1 बिलियन संख्या हो जाएगी डीएनए की, बहुत बार कई बार चलती है। तो ये पीसीआर के बारे में आपको ये यहाँ दे रखा है, पेज संख्या ये 222 पर है, एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो। और ये डायग्राम ही पूछा गया था एस सच एग्जाम में, AIPMT में आया था ये, यूं का यूं। और इसमें ये स्टेप्स पूछते हैं, कौन से स्टेप का तापमान कितना, कौन सा एंजाइम, और ये सब चीज आती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसीजर की अब तक 2 स्टेप हो गई कि वांछित जीन प्राप्त किया और वांछित जीन को अब हमने पीसीआर से आवर्धित कर दिया। हमारा अब अगला काम है वांछित जीन को और वाहक को जोड़ करके आरडीएनए बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप पर आते हैं, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, आरडीएनए का निर्माण, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए का निर्माण, ये हमारा अगला काम है। और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। पहला उद्देश्य हमारा रहता है वांछित जीन प्राप्त करना, फिर दूसरा उद्देश्य हमारा ये कि वांछित जीन और वाहक को जोड़कर आरडीएनए बनाना। आरडीएनए बना लेना हमारा एक बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसका स्थानांतरण करेंगे। अब आरडीएनए बनेगा कैसे, बेसिक समझे हैं, हमने वांछित जीन निकाल रखा है और वाहक है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने वाहक को एक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं, वाहक को काट के एक जगह से खोलते हैं, ठीक है। और जिस जगह काटा है हमने वहां हम अपना वांछित जीन ले जाकर फिट कर देते हैं, और फिर लाइगेज एंजाइम जो कि जोड़ने का काम करता है उससे पूरा जुड़वा देते हैं, और 2 अलग अलग डीएनए को ये जोड़ करके हमने आरडीएनए बनाया, ठीक है। बहुत बेसिक काम यही है, ठीक है। मैंने इसको 2 स्टेप में समझा रखा, देखो ये कि वांछित जीन व वाहक डीएनए दोनों को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है। अब यहां आप देखिएगा कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना ये जरूरी है, जो हमारा वांछित जीन है और जो वाहक डीएनए है दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे। क्यों, पहला क्वेश्चन यहां बनेगा, समान एंजाइम से काटा जाता है, इससे क्या फायदा हुआ, जिससे दोनों के मतलब वांछित जीन और वाहक डीएनए दोनों के जो मुक्त सिरे बनेंगे, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है तो तिरछा काटता ज्यादातर, तिरछे वाले हम यूज करते हैं, तो दोनों के मुक्त सिरे आपस में पूरक होंगे, इनके जो मुक्त सिरे होंगे वो पूरक होंगे, और पूरक होने से इनको जोड़ना आसान हो जाएगा। आपको बताया भी था, जब तिरछा काटते हैं तो एक सूत्र थोड़ा बड़ा रहता है, तो ये मुक्त सिरा है, और जब दोनों को समान एंजाइम से काटेंगे तो दोनों के जो मुक्त सिरे हैं वो चिपचिपे और पूरक रहेंगे, ताकि जब आप इनको पास पास लाओगे तो आसानी से जुड़ जाएंगे, जुड़ना आसान होता है, पूरक होता है तो पेयरिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दोनों के मुक्त सिरे आपस में पूरक होंगे, इसलिए समान एंजाइम से काटेंगे, पहली बात देता ध्यान रखना, ठीक है। दोनों को समान एंजाइम से काटने के बाद दोनों को मिलाएंगे, वांछित जीन और वाहक को दोनों को परख नलियों में होती चीजें, को डीएनए दिखता नहीं, दोनों को मिला देते हैं, और उसमें जॉइनिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज डाला जाता है। अब लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज इन दोनों को जोड़कर आरडीएनए बना देता है, ठीक है। लाइगेज का काम है जोड़ने का, तो दोनों को सेम एंजाइम से काटेंगे, फिर दोनों को मिला करके लाइगेज डालेंगे, और लाइगेज इनको जोड़ के आरडीएनए बनाएंगे। एक और सवाल यहाँ कि यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम समान लेंगे वो ठीक है,
लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा लेंगे ये किस पर तय होता है या किसके आधार पर तय होता है, वांछित जीन के आधार पर या वाहक के आधार पर। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, हम अपने वांछित जीन को कैसे निकाल के लाए थे, आपको प्रोसेस बताया था पहली स्टेप में। वांछित जीन को हमने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के तो निकाला था। अब यहां लिख रहे हैं वांछित जीन और वाहक डीएनए को समान एंजाइम से काटेंगे, तो कंफ्यूज ना हो, वांछित जीन को दोबारा नहीं काटेंगे, हम अपने वांछित जीन को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के ही तो लाए हैं। तो बस क्या करना है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने वांछित जीन को काट के निकाला, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वाहक को काट लो, बस हो गई ना समान एंजाइम से कटिंग। इसीलिए आपको कहा गया था कि वाहक डीएनए पॉलीलिंकर होना चाहिए, याद है पॉलीलिंकर वाहक में बताया था, मतलब वाहक पॉलीलिंकर कब होता है, जब उस वाहक में तरह तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के स्थल हो, क्योंकि अब हमें क्या पता कि हमारा वांछित जीन कौन से एंजाइम से मिलने वाला है। बट जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वांछित जीन मिला, आपको उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वाहक को काटना है, तभी समान एंजाइम से कटिंग होगी, समझ गए ना। और इसीलिए वाहक के अंदर रेस्ट्रिक्शन स्थलों में विविधता होनी चाहिए, जितनी ज्यादा वैरायटी के स्थल है बढ़िया, पता नहीं कौन सा एंजाइम काम आ जाए। अगर मान लो आपने वाहक जो चयन किया उसमें उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्थल ही नहीं है जिस रेस्ट्रिक्शन स्थल से वांछित जीन मिला है, तो आपको वाहक हटाना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा, वाहक में उसका स्थल होना चाहिए। तो यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का चयन किस पर निर्भर करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का चयन वांछित जीन पर निर्भर करता है, वाहक पर नहीं, ठीक है, वांछित जीन पर निर्भर करता है। मतलब जिस वांछित जीन से हमें जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें वांछित जीन मिलता है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वाहक को भी काट दिया जाता है, ताकि समान एंजाइम से कटिंग हो जाए। आगे बात समझ में, इसको अपन एक डायग्राम और एक एग्जांपल से समझते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आगे भी वापस काम आएगा, मैं एक एग्जाम्पल से डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये हमने लिया है प्लाज्मिड वाहक पीबीआर 322, याद करो मैंने एक डायग्राम बनाया था पीबीआर का, ठीक है, और सब चीजें तो नहीं दिखाई, ये दो मार्कर जीन होते हैं उसमें, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एमपीआर और टीटीआर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये वाहक ले लिया, और ये हमने एक डीएनए निकाला है कोशिकाओं में से, और इसके अंदर हमारा वांछित जीन है। मैं केवल एक डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो ये वांछित जीन युक्त डीएनए मान लो इसमें यहां से लेकर यहां तक में वांछित जीन, जैसे हमने वांछित जीन कैसे प्राप्त किया, जिस कोशिका में है उससे डीएनए निकाला, फिर उस डीएनए को काट के वांछित जीन निकाला, तो ये हमने वो डीएनए निकाल रखा है, और इसको इसमें से फिर ये वांछित जीन निकाला, इसी में से ये काट के। अब यहां पूरी प्रक्रिया हुई है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर सदन ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, वो सारे प्रोसेस के बाद हमने वांछित जीन प्राप्त किया, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, ये देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, ये लिख रखा है। अब जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के वांछित जीन मिला, ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये काम बहुत लंबा है जो आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है, पूरा प्रोसेस होकर के हमने जीन निकाल लिया। अब जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वांछित जीन मिला, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम किसको काटेंगे, प्लाज्मिड को, वाहक को, ठीक है। और मान लीजिए ये हमें इस जगह पर काटता है, टेट्रासाइक्लिन में इस जगह पर कट लगा, ये एंजाइम यहाँ आपको याद होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन में इस जगह पर एक एंजाइम का स्थल था, कौन सा, अब कई लोग गलत बोलेंगे इसको, या तो याद नहीं होगा, पहले तो याद होना चाहिए, पीवीआर के अंदर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के स्थल बताए, तो टेट्रासाइक्लिन में दो अलग अलग जीन के एंजाइम के स्थल हैं, दो एंजाइम के स्थल हैं सॉरी, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, और उसको सही पढ़िएगा, BAMH1, कई लोग बाम बाम पढ़ते हैं, बाम नहीं, BAMH1 है। तो मान लेते हैं कि ये BAMH1 एंजाइम है जिससे हमें जीन मिला, तो ये BAMH1 इस जगह काटेगा टेट्रासाइक्लिन में, यहाँ कट लगा, टेट्रासाइक्लिन में एक और एंजाइम का स्थल है सेल 1 का, ठीक है, तो वो तो कोई भी ले सकते हो, अपन ने मान लिया ये BAMH1 एंजाइम है, तो ये इस जगह पर कट करेगा, ये एंजाइम अपन एक बार को मान लेते हैं हमने कौन सा लिया है, ये BAMH1 एंजाइम, ठीक है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें वांछित जीन मिला है, इसी से हमने काटा, तो टेट्रासाइक्लिन में इस जगह काटा, देखो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, तो टेट्रासाइक्लिन के जीन के बीच में था ना इसका स्थल, तो जैसे काटा तो टेट्रासाइक्लिन जीन भी आधा आधा हो गया, थोड़ा इधर ये कट गया, एम्पीसिलिन जीन को कुछ नहीं हुआ, वो ऐसा कैसे ही। अच्छा, ये सब चीजें जो है ये हमें कोई आंखों से नहीं दिखेगी, ये परखनली में है,
ये वाहक है, ये वांछित जीन है, सब चीजें परनली में होती हैं, टेस्ट ट्यूब में होता है सारा काम, ठीक है। अब हमने इनकी दोनों की परखनली की मात्रा को इसमें मिला दिया, ठीक है, ये परखनली में हमने दोनों चीज मिला दी और इसमें लाइगेज मिला दिया, इन दोनों को मिक्स किया और लाइगेज डाल दिया। अब आप देखिए दोनों को समान एंजाइम से काटा, तो जो इसके मुक्त सिरे हैं, ये इसके ये मुक्त सिरे और इसके मुक्त सिरे आपस में क्या होंगे, पूरक, क्योंकि समान एंजाइम से कट रहा है। तो ये क्या करेगा, लाइगेज ये यहां आकर के इसमें फिट हो जाता है और लाइगेज इनको जोड़ देता है। ये देखो इस कटे हुए हिस्से में कौन, ये जीन इसमें आके लग गया। तो एम्पीसिलिन वाला तो ये यूं का यूं मार्कर जीन है, लेकिन ये एक वांछित जीन इसमें लग गया। अब इस डीएनए को ये पुनर्जीवृत्ताकार डीएनए बना, इसको क्या कहते हैं, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस तरह से बना। समझ में आई कुछ बात, दोनों को मिला करके लाइगेज डाला और लाइगेज ने इसको जोड़ करके ये आरडीएनए बना दिया, वाहक के अंदर ये वांछित जीन लग गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन यहां एक और चीज, आप कॉमन सेंस की बात देखिए, हमने इसको एक जगह काटा, ये खोला और दोनों को मिलाया और लाइगेज डाल दिया, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों जुड़ करके आरडीएनए बन जाए। आप जरा सोचिए, चलिए ये और ये जुड़ के आरडीएनए तो बन जाएंगे, यहां और क्या हो सकता है, क्या कुछ और होने की भी संभावना है? हमने तो दोनों को मिला के लाइगेज डाल रखा है, और क्या संभव है? बिल्कुल एक चीज और संभव है, आपने इस वाहक डीएनए को एक जगह से काट के खोला है, सिर्फ एक जगह से काटा है, क्योंकि एक एंजाइम का एक ही स्थल होता है वाहक में, यही तो बाध्यता बता रखी, तो ये एक जगह से खुल गया। अब आप क्या कर रहे हो, इसको मिलाकर लाइगेज डाल रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि ये दोनों जुड़ जाए, ठीक बात है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि इसके और इसके सिरे भी तो पूरक है, आपने इसको खोला और लाइगेज मिला कि खुद भी तो वापस जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों जुड़कर आरडीएनए तो बनेगा, लेकिन इसी समय पैरेलल ही क्या होगा कि ये खुद से ही वापस जुड़ जाएगा, जिसको कहते हैं सेल्फ लाइगेशन, खुद से ही जुड़ जाना। तो ये सेल्फ लाइगेशन दर्शाएगा, ये खुद ही वापस जुड़ जाएगा, और खुद से वापस अगर जुड़ा तो ये देखिए ये फिर से अगर जुड़ेगा तो इसी तरह का वृत्ताकार डीएनए ये फिर बन गया, जैसा ये था वैसा का वैसा ही बनेगा, और इसको अब हम बोलेंगे सेल्फ लाइगेटेड वाहक। और इसमें मार्कर जीन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, जब ये पुनः जुड़ जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन भी दिखेगा, एम्पीसिलिन वाला भी दिखेगा, दोनों आ जाएंगे। तो जब हम दोनों को मिलाकर आरडीएनए बनाते हैं, उस समय पूरी संभावना यह भी रहती है कि कुछ कुछ वाहक खुद से ही वापस जुड़ करके जैसा ये वाहक था वैसा का वैसा ही बन जाता है, और इसको बोलते हैं सेल्फ लाइगेटेड वाहक। सवाल अब ये आता है कि क्या हमें तो आरडीएनए चाहिए था, क्या हम सेल्फ लाइगेटेड वाहक को बनने से रोक सकते हैं? तो फालतू में बन रहा है और हमारा काम डिस्टर्ब करेगा ही, क्या हम सेल्फ लाइगेटेड वाहक को बनने से रोक सकते थे? तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि आपने बताया था कि एंजाइम एल्कलाइन फास्फेटेज जो किसी वृत्ताकार डीएनए को रेखीय बना देता, जुड़ने नहीं देता वापस। कुछ लोग यहाँ दिमाग बाद में लगाते हैं, ये बाद में प्रश्न आता है कि सर हमने इसमें एल्कलाइन फास्फेटेज क्यों नहीं डाल दिया? अगर हम एल्कलाइन फास्फेटेज डालते तो क्या होता, जरा सोच के देखिए, ठीक है। एल्कलाइन फास्फेटेज डालते तो एल्कलाइन फास्फेटेज क्या करता है, डीएनए के पांचवें सिरे से फास्फेट समूह हटा देता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही, और पांचवें फास्फेट समूह हटने के बाद ये जुड़ता नहीं, ठीक है। तो सेल्फ लाइगेटेड वाहक नहीं बनता, लेकिन एल्कलाइन फास्फेटेज डालने पर माना कि सेल्फ लाइगेटेड वाहक तो नहीं बनता, तो ये दोनों कैसे जुड़ जाते हैं? इनके भी तो फास्फेट हटते हैं ना, फास्फेट तो वो सबके हटा देता। हम यहां चाह करके भी एल्कलाइन फास्फेटेज नहीं ले सकते, क्योंकि एल्कलाइन फास्फेटेज क्या करेगा, सारे डीएनए के पांचवें सिरे से फास्फेट हटा देगा, तो सेल्फ लाइगेटेड वाहक तो नहीं बनेगा लेकिन आरडीएनए भी नहीं बनेगा, और इसीलिए हम यहां चाह करके भी एल्कलाइन फास्फेटेज काम में नहीं लेंगे। और अभी फिलहाल तो इस परख नली में केवल आरडीएनए नहीं होंगे, कई सारे सेल्फ लाइगेटेड वाहक भी होंगे, दोनों बनेंगे, ये हम बाद में अलग कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना कि जब जब भी हम आरडीएनए बनाते हैं तो साथ में कुछ वाहक पुनः खुद से जुड़कर सेल्फ लाइगेटेड वाहक भी बना देते हैं, याद रहेगा। एक और चीज, जरा मुझे आरडीएनए में देख के बताओ, टेट्रासाइक्लिन जीन कहां गया? क्या हमने यहां से काट के निकाल दिया? जी नहीं, हमने केवल एक कट लगाया था। तो यहां वो टेट्रासाइक्लिन जीन, यूं देखें तो कुछ थोड़ा हिस्सा इधर है, कुछ इधर है, बीच में कौन इंसर्ट हो गया? वांछित जीन। तो ये वांछित जीन कुछ इस तरह से लगा,
कि हमारा एक मार्कर जीन ही खत्म हो गया, दो मार्कर जीन थे, ये मार्कर जीन ही तो थे, और क्योंकि हमने एंजाइम वो लिया है जिसकी स्थल मार्कर जीन के अंदर आ रही है तो उसने उसको काट दिया, और इस वजह से दो मार्कर जीन में सब एक ही बचा और एक मार्कर जीन का वांछित जीन को निवेश करने की वजह से निष्क्रिय हो गया। इसे निवेशी निष्क्रियकरण इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, और ये हमारा बड़ा काम आएगा, ये आगे काम आएगा, अगले स्टेप में ध्यान रखना, ठीक है। तो हम खुद चाहेंगे कि दो मार्कर जीन में से एक निष्क्रिय हो जाए, हमें इसको आगे छाटने में मदद करेगी, सेलेक्ट करने में। तो यहां पर एक प्रोसेस और हुआ जिसको हम चाहे तो लिख सकते हैं निवेशी निष्क्रियता, निवेशी निष्क्रियता, या इसको लिखते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो जब आरडीएनए बनता है तो वाहक के मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाते हैं और इसी को हम निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, वांछित जीन के निवेशन से, अगर मैं इसकी परिभाषा भी लिखूं, वांछित जीन के वाहक में लगाने पर यदि वाहक का कोई मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाए, कोई मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाए तो इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, ये आगे भी फिर काम आएगी, इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, ठीक है। सो वांछित जीन के वाहक में लगाने पर यदि कोई मार्कर जीन उसका निष्क्रिय हो जाए तो उसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हमारे इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्थल किसी मार्कर जीन के बीच में आ रहा हो। यहां भी मान लो यहां स्थल होता किसी का, तो क्या निवेशी निष्क्रियता होती? नहीं होती। लेकिन हम खुद चाहेंगे कि निवेशी निष्क्रियता हो, क्योंकि ये निवेशी निष्क्रियता हमें आगे जाकर के आरडीएनए को पहचानने में मदद करेगी। ये मैं अगली स्टेप में बताऊंगा कैसे क्या है सारी चीजें। तो पूरा देखिए, आरडीएनए निर्माण में तीन जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले दोनों को समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाए और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का चयन वांछित जीन के अनुसार होगा। दूसरी बात, जब इन्हें जोड़ा जाता है तो आरडीएनए बनने के साथ साथ सेल्फ लाइगेटेड वाहक भी बनता है, इसे रोक नहीं सकते। और तीसरी बात कि जब ये वांछित जीन लगता है तो अक्सर वाहक के मार्कर जीन में एक आध मार्कर जीन निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। तीनों चीजें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से अब तक हमने प्रोसीजर की तीन स्टेप पढ़ी। पहली स्टेप में वांछित जीन निकाला, दूसरी स्टेप में वांछित जीन भी निकाला और वाहक का भी चयन किया, दूसरी स्टेप में वांछित जीन वाहक का पीसीआर से हमने संख्या बढ़ाई, और तीसरी स्टेप में वांछित जीन और वाहक को काट के जोड़ा और आरडीएनए बनाया। तो आरडीएनए निर्माण कुछ इस तरह से होता है। एनसीईआरटी में ये स्टेप बड़ी बिखरी हुई है और थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग जगह दे रखी हैं, हम जरा उसको भी निशान लगा लें। मैं हर प्रोसीजर की हर स्टेप को एनसीईआरटी में बताता जा रहा हूं और आपको वहां बराबर निशान लगाते चलना है, ताकि हम साथ साथ एनसीईआरटी की भी पढ़ें। देखिए, ये पीसीआर वाली स्टेप थी दूसरी, अब देखो ये तो दूसरी स्टेप थी और ये पहली स्टेप का ए और बी पार्ट था, और बी पार्ट का कुछ हिस्सा आगे भी बताया है। अब यहाँ देखिए, ये छोटा सा पैराग्राफ और लिखा हुआ इस दूसरी स्टेप के अंदर ही, दूसरा पैराग्राफ जो हमने छोड़ रखा था, ये तीसरी स्टेप आरडीएनए निर्माण, इसमें लिख रखा है डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल है, स्रोत डीएनए और संवाहक डीएनए को विशिष्ट प्रतिबंध एंजाइम से काटे जाने के बाद इनको खाली जगह पर जोड़ लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाता है और आरडीएनए बनता है। बस इतनी सी बात लिखी आरडीएनए निर्माण। तो तीसरी स्टेप जो हमारी आरडीएनए निर्माण का, कुछ बातें तो यहाँ लिखी है, कुछ और चीजें भी हैं। देखो, एक आध चीज आपको थोड़ा और आगे मिलेगी। अब आप चलेंगे जहां पर वो इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ा था, वहां चलते हैं। ये पेज संख्या 217, ये इलेक्ट्रोफोरोसिस तो आपका फर्स्ट बी की स्टेप का था। इसके ऊपर दो तीन लाइन लिखी हुई है कि सामान्यतः जब तक संवाहक को वांछित डीएनए दोनों को एक ही एंजाइम से नहीं काटा जाता, आरडीएनए का निर्माण नहीं हो सकता। ये भी चीज आरडीएनए मैंने कहा ना, दोनों को समान एंजाइम से काटेंगे तभी आरडीएनए बनेगा। अच्छा, इसका एक डायग्राम भी दिया है प्रोसेस तीसरी स्टेप का। देखो, डायग्राम आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाला जो टॉपिक है उसमें मिलेगा, पेज संख्या 215 पर।
ये डायग्राम मैंने तीसरा क्यों लिखा, तीसरी स्टेप का डायग्राम यहाँ दे रखा है। अब देखिए ये हमारा संवाहक डीएनए है और ये बाहरी डीएनए मतलब वांछित जीन है, ठीक है। इसका ये रेस्ट्रिक्शन स्थल है, इसके आगे का भाग नहीं बताया, और इसका ये रेस्ट्रिक्शन स्थल है, इसके भी आगे का भाग नहीं बताया, एक एक हिस्सा बता रखा है, ठीक है। और देखो दोनों को ये जी ए ए टी टी सी वही है, इको आर वन का साइट, ठीक है। अब इको आर वन एंजाइम इसमें यूज किया तो देखो ये यहाँ से कट गया, तो ये इसमें मुक्त सिरा निकला हुआ, इसका ये मुक्त सिरा, और दोनों को लाइगेज एंजाइम इस तरह से जोड़ देता है देखो, और इस तरह से ये पुनर्योगज डीएनए बना। तो पुनर्योगज डीएनए का जुड़ने का जो तरीका है वो रेस्ट्रिक्शन स्थलों पर कैसे होता है, समान एंजाइम से दोनों को काटा, समान मुक्त पूरक मुक्त सिरा है और ये जुड़ गए। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ये डायग्राम भी आपकी प्रोसीजर की तीसरी स्टेप का है जो बहुत आगे 215 पेज पर दे रखा है। तो थोड़ा अलग अलग जगह पर है, इधर उधर करके अपने निशान लगा दे तो अपने को पढ़ने में ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब तक जो है मैंने आपको प्रोसीजर की तीन स्टेप बताई, वांछित जीन की प्राप्ति, फिर वांछित जीन और वाहक डीएनए का आवर्धन पीसीआर द्वारा, और दोनों को जोड़ करके आरडीएनए का निर्माण, ठीक है। तो ये तो हमारा तीन स्टेप हुआ आरडीएनए निर्माण। अब हमारा आगे क्या काम रहेगा, आरडीएनए को सेल में स्थानांतरित करना और उसकी वहां पहचान करना, ये हम आगे के हिस्से में कंटिन्यू करेंगे।